हेलो दोस्तों, स्टडी विद एस के सी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। मैं सुमित कुमार एक बार फिर आप सभी के लिए लाया हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। आज हम चर्चा करेंगे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पर, जिसमें टॉपिक रहेगा आज हमारा बाल विकास के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि स्क्रीन पर है, बाल विकास का अर्थ है, तो बाल विकास का क्या अर्थ होता है? बालक का गुणात्मक तथा परिमाणात्मक परिवर्तन बाल विकास कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन है, बाल विकास की प्रकृति कैसे मानी जाती है? तो वो मानी जाती है विज्ञान में ही। बाल अध्ययन का पिता कौन है? तो वो है स्टीन हॉल। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास की उपयोगिता है बाल निर्देशन में, बालकों के शिक्षण में, बालकों के स्वभाव को समझने में, या सभी? तो ये सारी ही उपयोगिता पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता, जिज्ञासा, खिलौनों में रुचि, नवीन पद्धतियाँ, या ये सभी? तो चारों ऑप्शन ही इसमें करेक्ट हैं हमारे। ऐसे ही उत्तर बाल्यावस्था, आत्मनिर्भर, मित्र मंडली का निर्माण होना, स्वतंत्र होना, या ये सभी? तो इसमें चारों ही ऑप्शन करेक्ट हैं हमारे। आगे ये क्वेश्चन कई बार आया है, बाल विकास कब संपन्न होता है? जीवन पर्यंत चलता रहता है, यानी कि जीवन भर। बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया जाता है? तो रूसो के अनुसार तीन में है, वैसे इसमें हम चार भागों में बांटा जाता है इसमें, ठीक है। शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्थाएं कौन सी होती है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या ये सभी? अगर ऑप्शन में शैशवावस्था आ गया, बाल्यावस्था आ गया, किशोरावस्था आ गई, तो हम क्या टिक करेंगे? ये सभी। वैसे जो हमारी अवस्थाएं होती हैं बाल विकास की अवस्थाएं, वो जन्म से पूर्व भी होता है, शैशवावस्था होता है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ठीक है। इनकी अलग अलग स्टेजेज होती हैं, ठीक है, जो उनका हम अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाल विकास को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होता है? खेल कूद का मैदान। बाल विकास में क्या होता है? देखो, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक अध्ययन होता है, प्रक्रिया पर बल दिया गया है, वातावरण व अनुभव की भूमिका पर बल दिया गया है, या ये सभी? तो सारे ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं, ये बाल विकास के अंतर्गत आते हैं। विकास शुरू होता है प्रसव पूर्व अवस्था से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विकासात्मक बाल मनोविज्ञान का जनक कौन थे? जीन पियाजे। खिलौनों की आयु किसको कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था, ठीक है। विकास की प्रक्रिया में क्या महत्वपूर्ण होता है? जीवन मूल्य, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि का विकास भी शामिल है जिसमें। उसमें क्या होता है? दृष्टि, स्वभाव, रुचि, आदत, या ये सभी? तो ये सारे सभी होती है। शैशवावस्था में शिशु क्या होता है? आत्म केंद्रित होता है, छोटा बच्चा वो क्या होता है? आत्म केंद्रित। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण की सबसे उत्तम विधि है व्याख्यान विधि, भ्रमण विधि, विश्लेषण एवं संश्लेषण विधि, या अन्वेक्षण विधि? तो इसका आंसर हो जाएगा अन्वेक्षण विधि। मनोविश्लेषण विधि का जन्मदाता किसे माना जाता है? नंबर एक यूको, नंबर दो फ्रायड, नंबर तीन गेसिल, नंबर चार एडलर। तो इसका सही आंसर है फ्रायड। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास को पहले किस नाम से जाना जाता था? बाल अभिप्रेरणा, बाल मनोविज्ञान, बाल संवेग, बाल प्रयोग। तो इसे जाना जाता था बाल मनोविज्ञान से। अगला क्वेश्चन है, बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? 7 वर्ष तक। अन्वेक्षण विधि का प्रतिपादक किसे माना जाता है?
पेस्टोलॉजी, हर्बर्ट स्पेंसर, रायबन या आर्मस्ट्रॉन्ग? तो इसका सही आंसर है आर्मस्ट्रॉन्ग। बाल विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? जीन को। प्रोजेक्ट प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? क्रेंट क्रो, वुडवर्थ, रोबेल या किलपैट्रिक? तो इसका आंसर हो जाएगा किलपैट्रिक। अगला क्वेश्चन है, नीम में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, प्रश्न करने की अवस्था या खेलने की अवस्था? तो इसमें क्या होती है, पूर्व बाल्यावस्था से पहले की अवस्था जो है वो प्रश्न करने की अवस्था नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संज्ञात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अध्यापकों की, संगी साथियों की, पड़ोसियों की या माता पिता की? तो वो होता है हमारा माता पिता की। अगला क्वेश्चन, कॉल एंड ब्रूस ने बाल्यावस्था को माना है समस्या काल, अनोखा काल, मिथ्या परिपक्वता काल या जिज्ञासा काल? तो ये होता है हमारा अनोखा काल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनोखा काल। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल किसने कहा था? बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल किसने कहा था? रॉस ने, कॉलन ब्रूस ने, एना फ्राइड ने, क्रो एंड क्रो ने? तो ये कहा था हमारे रॉस ने। अगला क्वेश्चन, विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना कहलाता है? अभ्यसन, ध्यान लगाना, प्रतिभिज्ञा या प्रस्मरण? तो ये होता है हमारा प्रस्मरण। बाल विकास में अध्ययन किया जाता है शारीरिक विकास का, मानसिक विकास का, संज्ञानात्मक विकास का या सभी का? इन सभी का। ऑप्शन 4 सही है, सही। शैशवावस्था की अवधि होती है जन्म से लेकर 5 वर्ष तक, 10 से 15 वर्ष, 16 से 25 या जन्म से गर्भ से जन्म तक? तो शैशवावस्था होती है हमारी जन्म से लेकर 5 वर्ष तक। आत्म प्रेम की भावना किस अवस्था में प्रबल होती है? आत्म प्रेम किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था या ये सभी? तो ये होती है हमारी बाल्यावस्था, ऑप्शन बी। शैशवावस्था में प्रबल होता है अपराध, ईर्ष्या, जिज्ञासा या चिंतन? तो शैशवावस्था में क्या होती है, जिज्ञासा होती है। छोटा बच्चा क्या करता है, जिज्ञासा करता है किसी भी खिलौने को लेने के लिए। जन्म के समय बालक में हड्डियां होती हैं 360, 370, 320, 390? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 370। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक विकास में तीव्रता, दूसरों पर निर्भर, नैतिकता का दोष? तो शैशवावस्था में शारीरिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, दूसरों पर निर्भर भी रहते हैं, लेकिन नैतिकता का दोष नहीं होता। ऑप्शन 4 करेक्ट। किशोरों के समुचित विकास के लिए आवश्यक है क्या? सदाचार का शिक्षण, नैतिक शिक्षण, आदर्श शिक्षण या ये सभी? तो किशोरों के समुचित विकास के लिए कब हो सकता है, उसमें सदाचार हो, नैतिकता का हो और आदर्श भी हो, यानी ऑप्शन 4 सही आंसर। किशोरावस्था का आरंभ होता है 8 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की, 12 वर्ष की या 16 वर्ष की? तो इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा 13 वर्ष। 12 बोला है लेकिन ये क्या है, 13 वर्ष है। विकास का संबंध होता है गुणात्मकता से, आयु में वृद्धि से, लंबाई में वृद्धि से या भार में वृद्धि? विकास का मतलब होता है गुणात्मक वृद्धि।
अगला क्वेश्चन, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, यह परिभाषा किसकी है? जिंसबर्ट की, वुडवर्थ एंड मार्किन्स की, रूस बेनेडिक्ट की या एनास्टसी की? तो ये है हमारी रूथ बेनेडिक्ट की, डिक्ट की। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में महत्वपूर्ण है वातावरण, वंशानुक्रम, वंशानुक्रम और वातावरण, या कोई नहीं। तो व्यक्ति का व्यक्तित्व का विकास कब हो सकता है? जब उसमें वंशानुक्रमण भी हो और वातावरण पे डिपेंड भी हो। जैसे वातावरण में बच्चा जाएगा वो वैसा ढल जाएगा। व्यक्तित्व विभिन्नता का मुख्य कारण होता है वातावरण, वंशानुक्रम, आयु या ये सभी फैक्टर होते हैं। तो इसका ऑप्शन चार सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषता का पूर्ण योग है, यह कथन किसका है? वुडवर्थ का, जेम्स ड्राइवर का, बी एन झा का या रोस का? तो यह हमारा बी एन झा, ऑप्शन थर्ड। प्रश्न नंबर 40, वातावरण का किस दृष्टि से सबसे अधिक महत्व है? मानसिक विकास, सामाजिक, शारीरिक या व्यक्तित्व निर्माण? तो सबसे ज़्यादा जो महत्व है वह है व्यक्तित्व निर्माण। अगला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रयास व त्रुटि द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? पावलोव ने, थॉर्नडाइक ने, कोहलर ने या टॉलमैन ने? तो वो किया था हमारे थॉर्नडाइक ने। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन हेतु प्रयोग किया चूहे पर, चिंपेजी पर या बिल्ली पर या कुत्ते पर? तो उसने किया था बिल्ली पर। पावलोव ने संबंध अनुकूलीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया 1900 में, 1901 में या 1903 में या 1904 में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1904। अगला क्वेश्चन, संरचना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन है? कुरेंट क्रो का, वुडवर्थ का, स्किनर का या रोस का? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, वुडवर्थ। सीखने में परिवर्तन होता है व्यक्ति की प्रेरणा में, मूल परिवर्तियों में, व्यवहार में या व्यक्तित्व में? ठीक है, सीखना, तो सीखना क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, व्यवहार में। सीखना एक प्रक्रिया है, मानसिक, संवेगात्मक, भावात्मक या सामाजिक? तो सीखना एक हमारा मानसिक है। सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले सारे कारक हैं स्वास्थ्य, लिंग भेद, आयु या ये सभी? तो ये सारे ही सही हैं, तो ये हो जाएगा आंसर सभी। अगला क्वेश्चन, दूध के दांत गिरने एवं स्थायी दांत आने की आयु होती है 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष? तो ये होती है हमारी 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 49, संवेगात्मक स्थिरता सबसे अधिक होती है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, पूर्व किशोरावस्था में या किशोरावस्था में? तो सबसे ज़्यादा संवेगात्मकता जो स्थिरता होती है वो होती है हमारे किशोरावस्था में, ऑप्शन चार। अगला क्वेश्चन है, शिशु के समाजीकरण की प्रक्रिया होती है जन्म से 1 माह बाद या 2 माह बाद या 3 माह बाद? तो इसका आंसर हो जाएगा जन्म से। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो मिलते हैं 51 से आगे के क्वेश्चन।